हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे पाइप और टंकी, ये भाग एक है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये पाइप ए किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है तथा पाइप बी उसे 72 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले तो टंकी को कितने समय में भर जाएगा। इसमें भरने का पूछा है, कितने टाइम में ये भर जाएगा। तो फिर हम इसको ए का हम पहले लिखेंगे, तो ए कितने मिनट में भर रहा, ये हमारा जो है 24 मिनट में भर रहा। हम बी कितने मिनट में भर रहा, बी जो है कितने मिनट में भर रहा, 72 मिनट में भर रहा। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72। फिर इन दोनों को हम भाग देंगे। जब इससे हम इससे भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। फिर ये तो हमारा एक ही बार में कटेगा। फिर यहाँ पर क्या पूछा है, मिलकर पूछा है कितनी बार कितने देर में खोले तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो इसमें भरने का पूछा है तो ये हम यहाँ पर हम माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। फिर हम इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम ये जो 72 है इसमें से हम इसको काट देंगे तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा, 36 बार में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है 36 हो जाएगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स।